नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा बेटा देखिए 4 बजे उठ गया था, अभी 5 बज रहे हैं और सुबह सुबह ये आज उठा दिया हमको। और गाइस देखिए, काम करने वाली बाई जो है झाड़ू लगा रही है। काम करने वाली बाई अपना काम स्टार्ट कर दी है। और हमारे घर में जो काम करने वाली बाई है ना, देखिए सुबह सुबह उठ के अपना काम करने लगती है। देखिए झाड़ू लगा रही है इस समय, देख लीजिए आप लोग। आज ये भी सुबह सुबह आ गई है क्योंकि आज पितर समाप्त हो रहा है। पितर जो पितृ समदनी पितृ पक्ष लगता है, वो मुंडन उंडन करवाते हैं और क्या कहते हैं पुरखों का सब क्रियाकर्म करते हैं, इसीलिए काम वाली बाई आ गई है सुबह सुबह। देखिए आप लोग देख लीजिए, यही है ना बेटा, यही है ना। और दोस्तों सुबह सुबह देखिए हमारे गांव में मौसम कैसा है। देखिए बादल छाए हुए हैं, पानी न बरस दे नहीं सारा प्रोग्राम सब चौपट हो जाए, तो काफ़ी अभी अंधेरा है। झाड़ू लगा चुकी है और देखिए बर्तन मांजना शुरू कर दी है। और गाइस देखिए मम्मी भी सुबह सुबह सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने लगी हैं। सीढ़ी इतनी देखिए काई लग गई है, बारिश की वजह से पानी आता है यहाँ पे सीढ़ी पे, छत का पानी आता है। सीढ़ी देखिए काई लग गई है सीढ़ी की। आइए ले चलते हैं छत पे, आपको दिखाते हैं नज़ारा सुबह सुबह। देखिए काई लग गई है पूरे सीढ़ी जितनी है पूरे छत पे। देखिए छत पे भी देखिए काई लग गई है, काला काला पूरा दिख रहा है छत। देखिए बारिश में इसी तरह छत हो गया है। और गाइस देख सकते हैं आप लोग सुबह सुबह मेरे छत से गांव का नज़ारा। देखिए बेटा हमारा छत पे आ गया है और बैठा है अभी। देखिए टहलने लगा है छत पे, एक बांस रखा है उसी में खेलने लगा है। आओ 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 आओ, ए ए ए ए ए बेटा, ए ए, देखो बांस में खेलने लगा है। इधर देखो, देखो सुबह सुबह अब चलने लगा है, घसीट घसीट के तो चलता है। देखो 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 देखो, पैर के बल खड़ा हो जाता तो उछलता रहता ऐसे 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 ऐसे। देखो देखो बांस देख रहा है कि उनको हटा लिए वहाँ से। गाइस बेटा रोने लगा है, अब चल रहे हैं नीचे, भूखा हो गया है, दूध काफ़ी देर हुआ है इसको पीते हुए, दूध पिए हुए काफ़ी इसको देर हो गई है, इस वजह से भूखा हो गया है, रोने लगा है। भूखा हो गया है बेटा, देखिए भूख लग गई है, डिब्बे का ढक्कन ही खा रहा है। दूध दे दो, दूध 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 दे दो, दूध भूखा हो गया था ना। ध्यान नहीं देती हूँ, लिए तो तुम रहे हो, हम लिए रहे का। अरे तो हम लिए थे तो ध्यान लिए रहे हो तो ध्यान दे चाहिए। हमको क्या पता कब दूध पिया है, कितना देर हो गया है, पिला दो, इसलिए तो रोने लगा था। तो दोस्तों आज पित्र विसर्जन है और सब लोग मुंडन करवा रहे थे, तो मैंने भी आज मुंडन करवा लिया है।
मुंडन करवा के अभी आया हूँ स्नान करके, और स्नान करके अभी बेटे के सामने आया तो बेटा देख के डर गया। अभी देखा कि कैसे टकला दिखाई दे रहा है घर में, अभी तक तो नहीं दिखाई देता था, डर गया देख के। तो दोस्तों आज घर में खाना बन रहा है पुरखों को खिलाने के लिए, फुलौरी है, बड़ा है और पूड़ी है। किचन में देखिए राधा, आज सब पकवान बन रहा है पुरखों को खिलाने के लिए। पुरखों को खिलाने के लिए खाना बन जाएगा तो फिर उसी में से हम लोग भी खाएंगे। देखिए जुटी है, गैस चुकी है, जाए गैस भरा लो, बनाए खाना। गैस चुक गई? हाँ। अरे गैस भी चुक गई, बताइए आज पूरा सब खाना बनना था, गैस भी चुक गई तो जा गए आओ तो फिर पूरा खाना बन जाए। गैस लाना पड़ेगा फिर कहीं बस ऐसे ना बनाइयो इतने में था। हाँ तो लाना पड़ेगा गैस, बताओ गैस भी जवाब दे दी है आज। अभी बन नहीं पाया है का खाना? नहीं है? नहीं तनिको नहीं बना, नहीं आधा खाना बना है आधा बाकी है। आधा बन गया आधा बाकी है, गैस खत्म। भया बवाल, गैस चुक गई है, बेटा को स्नान कराने लगी, अब जा रहे हैं गैस लाने। गैस लाने तो खाना बने, नहीं तो लकड़ी में बनाना पड़ेगा। लकड़ी है? हाँ लकड़ी है। तो लकड़ी में बनाओ फिर क्या करोगे? हाँ जाएगी कह रहे जा रहे बनाने। और देखिए दोस्तों गैस खत्म हो गई है, अब वाइफ हमारी जो है लकड़ी में खाना बनाने जा रही है, जो बचा हुआ खाना था। यही फायदा होता है देहात में रहने से, देहात में गैस ख़त्म हो गई है, लकड़ी की व्यवस्था हो गई है, लकड़ी से खाना बन रहा है। अभी शहर में रहता तो बिना गैस के खाना ना बनता, क्यों? हाँ हाँ, लकड़ी में धुआं में अब उलझे रहो। स्नान कर चुके हैं फलाने, क्या हो स्नान कर चुके ना? स्नान कर चुका है, अब तेल लगाना है इसको, अभी ज़मीन में लेटा देंगे तो लोट के पूरा मिट्टी लगा लेगा शरीर में, इसीलिए अभी लिए हैं इसको। इसकी मम्मी खाना बना ले तो इसको तेल वेल लगे, मालिश वालिश हो। दोस्तों फाइनली मैं खाना बना चुकी हूँ, आधा खाना मैंने लकड़ी में बनाई, गैस चुक गई थी। मम्मी पूजा कर चुकी हैं और पुरखों को खिला दी हैं। मम्मी बरामदे में खाना खा रही हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ खा रहे हैं कमरे में, आपको दिखा, ये देखिए खा रहे हैं, इनका लुक देखिए, टकले हैं ताजी बासी। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए इनका लुक कैसे लग रहा है, आप लोग बताइएगा सकाल की तरह लग रहे हैं कि नहीं। तो गाइस यही सब बना है आज, देखिए कढ़ी बनी है, पूड़ी बनी है और ये फुलौरी बनी है, ये खीर बनी है, यही सब बना है आज। पुरखा खा लिए हैं हमारे, अब पुरखों की संतानें खा रही हैं। खाना खा लें तो थोड़ा सा आराम करें। तो राधा ने आज बड़ा मेहनत किया है, आधा गैस ख़त्म हो गई थी, आधा खाना चूल्हा बनाई, रो रो के आँख में आंसू आ रहे तो रो रही थी बना रही थी। धुआं लग रहा था? अरे धुआं लग रहा था तो धुआं तो लगभग करेगा लकड़ी में। दोस्तों वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, कैसी लगी वीडियो आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, बाय बाय।